ट्रायम स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X, ये दोनों बाइक्स का नाम बहुत ही ज़्यादा हम लोग सुनने को बेताब थे कि ये बाइक कब लॉन्च हो रही हैं। फाइनली ट्रायम ने ये दोनों बाइक्स को अनवील कर दिया है और ये दोनों बाइक्स पहला प्रोडक्ट होंगी जो कि बजाज और ट्रायम के कोलैबोरेशन में बनाई जाएंगी और जल्द ही ये भारतीय बाजार में आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ये बाइक्स कब लॉन्च होने जा रही हैं इंडिया में और इनके अंदर कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे आपको और कितने कितने फीचर्स ट्रायम्फ ने इन बाइक्स में दिए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में। तो इन दोनों बाइक्स के डिज़ाइन की बात करूं तो जो स्पीड 400 बाइक है उसका डिज़ाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्पीड 900 के साथ मिलता हुआ नज़र आता है और साथ ही साथ जो स्क्रैम्बलर 400X है उसका भी डिज़ाइन आपको स्क्रैम्बलर 900 के साथ थोड़ा मिलता जुलता नज़र आएगा। इन दोनों के इंजन की अगर मैं बात करूं तो इंजन इन दोनों में ही आपको सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है जो कि 398cc का इंजन रहेगा इसमें और ये पावर आउटपुट देता है आपको 40 PS का और साथ ही साथ आपको 37.5 Nm का टॉर्क देता है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो इंजन पे आपको एक ट्रायंगुलर शेप का ट्रैम का जो एक डिज़ाइन लैंग्वेज होता है वो आपको कवर देखने को मिलने वाला है इंजन पे और ये काफ़ी ज़्यादा बाइक को मॉडर्न और क्लासिक लुक देने की कोशिश करता है। तो अब शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट से, फ्रंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो आई कैचिंग चीज़ है वो है इस बाइक में बीच में आपके हेडलैम्प में ट्रैम्प का लोगो और साथ ही साथ ये बाइक में आपको ऑल LED सेटअप दिया गया है। और इसमें टायर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी स्पीड 400 है उसमें आपको 17 inches के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे बट जो आपकी स्क्रैम्बलर है उसमें आपको 17 inches और 19 inches के अलॉयज मिलने वाले हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो इन दोनों बाइक्स में आपको 43mm के आपको डायमीटर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं जो कि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे ख्याल से बनाते होंगे। अब जब ये बाइक आएगी 5 जुलाई को ये बाइक आने वाली है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चीज़ को मिस ना करें। तो इसमें आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिए गए हैं और साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है जो स्पीड 400 में आपको सस्पेंशन ट्रैवल है वो है 140mm का और वहीं स्क्रैम्बलर में आप देखेंगे तो जो उसका सस्पेंशन ट्रैवल है वो है 150mm का और आपको इस बाइक में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन देखेंगे अगर आप दोनों बाइक का तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन मिलता है और साथ ही साथ आपको अच्छे खासे इसमें कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। जहाँ तक मैं देख पाया हूँ अभी तक तो मुझे रेड, ब्लू और ब्लैक कलर के और खाकी कलर के भी कुछ डिज़ाइंस मिले हैं दोनों बाइक में देखने को। अब बात आती है इन दोनों के कर्व वेट की। तो जो स्पीड 400 है उसका 170kg का कर्व वेट है और वहीं स्क्रैम्बलर 450X का कर्व वेट थोड़ा सा 9 किलो ज़्यादा है, मतलब उसमें आपको 179kg का कर्व वेट मिलता है बाइक में। इन दोनों बाइक्स की सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो स्पीड 400 में आपको 790mm की सीट हाइट मिलती है, वहीं आप स्क्रैम्बलर में बैठते हैं तो थोड़ा सा आप ऊंचा बैठेंगे, मतलब वहां पे आपको 835mm की सीट हाइट दी गई है। तो अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के फीचर्स की। तो इन दोनों बाइक्स में आपको ड्यूअल चैनल ABS है और साथ ही साथ आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्जांपल देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जब आप देखेंगे, मतलब आपको आपका ट्रेडिशनली स्पीडोमीटर दिया गया है बड़ा सा और उसके साइड में छोटी सी एक आपको डिजिटल स्क्रीन दी गई है जहां पे आप अपना टैकोमीटर देख सकते हैं और साथ ही साथ फ्यूल इंडिकेटर्स होंगे और तमाम तरह के इंडिकेटर्स वहां पे आपको प्लेस मिलेंगे और आपकी ट्रिप डिटेल्स भी वहीं पे आप देख सकते हैं। और एक फीचर जो कि स्क्रैम्बलर में बहुत ही ज़्यादा खास मिला है वो है आपका स्विचेबल ABS, मतलब आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल खुद से ही बंद कर सकते हैं जब भी आप कभी ऑफ रोडिंग वगैरह करने जा रहे हों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस बाइक की प्राइसिंग क्या रखी जाएगी। जो आपकी स्पीड 400 है उसकी प्राइसिंग लगभग 3 लाख के आसपास रखी जाएगी और जो आपकी स्क्रैम्बलर 400X है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड 400 से हो सकती है। तो 5 जुलाई को ये बाइक लॉन्च होने जा रही है, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं इसका डिटेल वॉक अराउंड तो हमारे चैनल NBT ऑटो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको आखिरकार कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं मिलता हूं आपको फिर किसी वीडियो में।